नमस्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 301। इस विषय में हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। 301 का यूनिट नंबर 5 ऑसिलेटर्स, इसके दो टॉपिक्स 5.1 और 5.2 हमने कल अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मतलब, कवर किए हैं बाखौजन क्राइटेरिया तक। आज हम 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले करते हैं ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑसिलेटर्स की आपको स्टडी करनी है, उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखनी है और फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वो देखनी है। तो हम इसे स्टार्ट करें। स्क्रीन पर आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, ये ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर का सर्किट है। जब हम ऑसिलेटर्स के सर्किट्स को पढ़ेंगे तो हम उसमें पाएंगे कि कोई भी डिवाइस, कोई भी सर्किट, यदि उसको ऑसिलेटर की तरह आपको एक्ट करवाना है तो उस सर्किट में एक एक्टिव डिवाइस होगा जो कि एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा। दूसरा पॉइंट इसका यह है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि उसमें पॉजिटिव फीडबैक होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वो सर्किट ऐसा होगा कि इनपुट से आउटपुट के मध्य 360 डिग्री का फेज़ शिफ्ट होगा। ठीक है, टोटल फेज़ शिफ्ट 180 डिग्री का होगा। और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि फीडबैक का अमाउंट इतना हो कि वो सर्किट के लॉसेस को ओवरकम कर सके। तो ये चार चीज़ें याद रखने की हैं, ध्यान रखने की हैं, कि LC ऑसिलेटर्स जो होते हैं जिनमें कि टैंक सर्किट होता है, यानी L और C का कॉम्बिनेशन वाला कोई भी सर्किट जो कि फीडबैक में लगा हो, फीडबैक पाथ में लगा हो, वो क्या रहता है, LC सर्किट या टैंक सर्किट। तो ऐसे सर्किट वाले जो भी ऑसिलेटर सर्किट्स होंगे उनमें 360 का फेज शिफ्ट भी मिलना चाहिए आपको, और एम्पलीफायर के तौर पर एक एक्टिव डिवाइस भी होना चाहिए, और फीडबैक इतना हो कि वो ओवरकम हो पाए सर्किट लॉसेस से। तो यहाँ सर्किट में आप देखें, ये ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर सर्किट है, एक ट्यून्ड LC सर्किट है कलेक्टर ब्रांच में लगा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ट्यून्ड LC सर्किट है कलेक्टर ब्रांच में लगा हुआ, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। रेजिस्टर्स R1, R2 तथा RE एक प्रॉपर DC ऑपरेटिंग कंडीशंस को एस्टेब्लिश करते हैं, जस्ट लाइक CE एम्पलीफायर। CE जो है वो एमिटर बायपास कैपेसिटर है। ठीक है, CE यहाँ नीचे जो आपको नज़र आ रहा है CE, ये एमिटर बायपास कैपेसिटर या कंडेंसर है। एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि CE ट्रांजिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सर्किट में। आप यहाँ देखें, जैसा कि हमने बात की थी कंडीशन, एक तो इसमें एक्टिव एम्पलीफायर होना चाहिए जो कि BJT है, दूसरा टैंक सर्किट जो है वो इतना फीडबैक दे, मतलब जो सर्किट को पॉजिटिव फीडबैक जो मिल रहा है इस ऑसिलेटर में, जो भी पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है वो इतना हो कि जो सर्किट के लॉसेज हैं उनको ओवरकम कर सके। और तीसरी चीज़ ये थी कि 360 का फेज डिफरेंस, फेज शिफ्ट होना चाहिए इनपुट एंड आउटपुट के बीच। तो यह 360 का जो फिस्ट है वो हम देखते हैं। पहला 180 का तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट जो होता है वो, मतलब यदि BJT CE कॉन्फ़िगरेशन में लगा है
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यदि आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो वो 180 का फेज शिफ्ट देता है बिटवीन इट्स इनपुट एंड आउटपुट। तो 180 का फेज शिफ्ट हमें यहाँ मिला बीजेटी से, और बाकी का 180 जो है वो हमें ट्रांसफार्मर से मिलेगा, क्योंकि एल पी और एल एस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के मध्य 180 का फेज शिफ्ट होगा क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है। तो इस प्रकार हमें 180 प्लस 180 यानी 360 का फेज शिफ्ट मिल रहा है। एल पी और एल एस जो है वो एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह कार्य कर रहे हैं। आउटपुट एल एस के अक्रॉस लिया जाएगा। आर बी को यूज़ किया जाएगा टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फीडबैक टू वैल्यू जस्ट नीडेड फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। आर बी जो है, आर बी इसको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस के लिए फीडबैक का अमाउंट कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, और ये लोडिंग इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल करेगा जिससे लॉसेस बहुत ज़्यादा ना हो और फीडबैक प्रॉपर मिले, जिससे कि हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिले, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशंस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो है कंस्ट्रक्शन इस तरह से जाता है। जो भी सिग्नल आपका इनपुट पर दिया जाएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो एमिटर और बेस के बीच में इनपुट जाएगा, वो इनपुट जो है वो आर ई और सी ई के थ्रू जाएगा, और फिर वो जाएगा फीडबैक पाथ से ये आउटपुट हमें मिलेगा। एल और इस पे कलेक्टर पर हमें आउटपुट मिल रहा है, या टैंक सर्किट आप देख सकते हैं, और फिर जो भी आउटपुट है वो उसको टैंक सर्किट से होते हुए फीडबैक दिया जा रहा है इनपुट पर, जो कि आरबी से जा रहा है। आरबी जो है वो फीडबैक पाथ में लगा हुआ है, और कंट्रोलिंग इसका फंक्शन अभी आपको डिस्कस करा था मैंने। अब बात करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की जो है वो डिपेंड करेगी टैंक सर्किट के पैरामीटर्स पर और ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पर। कोई कॉइल जिसमें कि हाई क्यू हो और आर जो है वो थोड़ा लो हो रेजिस्टेंस, तो एफ जो है वो सेकंड वाला जो है, आप दो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं फॉर्मूला, ये है फर्स्ट वाला जो हाईलाइटेड है, ये जनरल फार्मूला है, और इसी को यदि हम कंडीशनल कर दें, यानी कि इसी कॉइल का यदि क्यू हाई हो क्वालिटी फैक्टर, तो रेजिस्टेंस उसका लो होगा, तो आर यदि लो है तो ये हम पूरी टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, आर डेल्टा एच अपॉन एच आई वाली, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन ब्रैकेट में मेंशन है कि डेरिवेशन नहीं करना है, तो इसलिए मैं आपको डिराइव नहीं कर रही हूँ यहाँ फॉर्मूले को, सिंपली आपको जस्ट बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी एफ इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, क्योंकि हमने आर वाली टर्म को इग्नोर किया है, बिकॉज आर को लो कंसिडर किया है एज क्यू विल बी हाई, इफ क्यू इज़ हाई देन आर विल बी लो। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है ये आप एल और सी की वैल्यूज़ को चेंज करके और इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था सबसे सिंपल ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, क्योंकि कलेक्टर जो है यहाँ कलेक्टर से आप एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यानी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसे ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर कहा गया है। नेक्स्ट ऑसिलेटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।